अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू मैन आरिफ टेक चैनल। आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आया, और आज की वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कि हमारे जैसे जीमेल अकाउंट में और अपना प्ले स्टोर में जो हमारे पास जो टू स्टेप वेरिफिकेशन होती है उसकी जो हमारी प्राइवेसी है, जैसे कि अभी आप देख सकते हैं मैं टिकटॉक में आपको करके दिखाऊंगा। टिकटॉक की हम सेटिंग्स में चले गए हैं और इसकी जो सिक्योरिटी में मैं गया हूँ, तो सिक्योरिटी एंड परमिशन में जो इसकी टू स्टेप वेरिफिकेशन है, इसमें आपको देख सकते हैं कि आप जो है अपनी मर्जी से, अगर आप पासवर्ड भूल जाते हैं अपना, तो आपके पास ऑप्शंस होते हैं कि आप अपने फ़ोन पे आप एक कोड जो है रिसीव करेंगे, या मेल पे, या फिर ये ऑथेंटिकेटर है। ठीक है, अगर आप अपना पासवर्ड भूल जाते हैं तो आपके पास सम टाइम ऐसा हो जाता है कि आपके सिम पे जो है वो बाज़ूकात जो है आपका पासवर्ड वो जो कोड है वो नहीं आता। तो उसके लिए उसका ये जो है सिंपल सा एक तरीका है, बहुत ही आसान। उसके लिए हम एक प्ले स्टोर से जो है वो ऐप करेंगे गूगल ऑथेंटिकेटर के नाम से। ये देखिए, यहाँ पे ऑथेंटिकेटर के नाम से ये ऐप की हुई है मैंने, और वहाँ पे जो मैंने अकाउंट खोला था अभी अपना, उसमें जो मैं अपनी सेटिंग्स में गया हूँ सिक्योरिटी में, यहाँ टू स्टेप वेरिफिकेशन में जो है हमारे पास ऑप्शन आएंगी फ़ोन, ईमेल, ऑथेंटिकेटर और पासवर्ड। तो ये जो है कि अगर हम अपना पासवर्ड भूल जाते हैं तो हम किस तरह से अपना रिकवर कर सकते हैं, तो हम इसमें जो है अपना फ़ोन और ईमेल पे टिकनिक करेंगे। अभी मैं अभी आपको दिखाने के लिए जो है ऑथेंटिकेटर और पासवर्ड पर टिक किया है और आगे नेक्स्ट किया है। तो यहाँ पे वो जो कह रहे थे अपना न्यू अकाउंट का जो है पासवर्ड क्रिएट करें, यहाँ पे मैंने अपना पासवर्ड क्रिएट किया है, और ये मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि अगर आप ये पासवर्ड जो आपने अभी क्रिएट कर रहे हैं, अगर आप ये पासवर्ड भूल जाते हैं तो आप किस तरह से इजीली इसको रिकवर कर सकते हैं। और ये बहुत अच्छी एक सिक्योरिटी भी है कि कोई और आपके पासवर्ड को जो है वो नहीं आपका ये अकाउंट को खोल सकता। तो ऑथेंटिकेटर में ये आपके जो आगे हमारे पास वो पेज आया था, उसके बाद हम अपना गूगल ऑथेंटिकेटर जो ऐप है हमने उसको ओपन किया है, और यहाँ पे जो है हमने प्लस पे क्लिक किया, तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है जी, हम इसका यहाँ से यहाँ तो स्कैन करके कर सकते हैं कि यहाँ से हम स्कैन दबाएं और वहाँ से इसको स्कैन करें तो हमारे पास ये वाला पेज ओपन हो जाएगा, एंटर कोड डिटेल्स। या फिर अगर आप इसको स्कैन नहीं करते तो आपके पास ये जो की है लिखी हुई है ऑथेंटिकेटर में, इसको कॉपी करेंगे की को। की को कॉपी करने के बाद आप जो आप अपने अकाउंट में जो आपको की दे रहा था उसको कॉपी करने के बाद आप इधर आ जाएंगे इस वाले पेज पे। इसमें जो है एंटर कोड डिटेल्स में हम लिखेंगे कोड नेम, अगर आपका जो है, क्योंकि ये मैं टिकटॉक का है तो मैं टिकटॉक कोड लिख दिया, और जो यहाँ पे की है, जो उधर की मैंने कॉपी की थी वो इधर ही मैंने उसको पेस्ट कर दिया है। ये देखें, यहाँ से मैंने इसको की को कॉपी किया था और उधर पेस्ट करने के बाद मैं यहाँ पे आगे नेक्स्ट किया है, तो वहाँ पे मुझे है जो है वो कोड मिल गया है। उधर से मैंने फिर दोबारा उसको नेक्स्ट किया, तो यहाँ पे मैंने एक रिकवरी की ईमेल डाली है। तो यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं टू स्टेप वेरिफिकेशन में एक रिकवरी की ईमेल और हमारा ऑथेंटिकेटर पे जो है वो साइन बना आ गया है, टिक हो गया है। तो यहाँ से मैं जो है फ़ोन और ईमेल पे भी टिक कर दिया है, और यहाँ से इसको मैं जो है, ये थी आज की वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल इमरान आरिफ टेक।